तो गाय का दूध निकालने का सबसे सही तरीका वही होता है, देख सकते हो आप, किसी को ठकान भी नहीं लगेगा, फटाफट मिल्क निकल जाएगा। तो गाइज आज फाइनली मैंने गाय का मिल्क निकालने का डिसाइड कर लिया है, और अभी क्या है कि वीडियो में थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो वीडियो में थोड़ा अच्छा नहीं आएगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गाय का दूध निकालने का सही तरीका क्या होता है वो, और कैसे निकाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। कौली है वो दिन बहुत ही अच्छी है, किसी को कोई किसी हमारा जो जितना फैमिली है सबको मिल्किंग करने देती है, थोड़ा भी इंक्रेज नहीं होती है, एंड बहुत ही अच्छी है। तो आज मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया था कि आज के दिन उसका मिल्किंग मैं भी करने वाला हूँ, और मैं भी कर उसका अभी 5-6 लीटर जितना मिल्क, एंड दो इंसान इसलिए मिल्क करते हैं कि फटाफट उसका मिल्किंग हो जाए। हमारे जो काव है, बफेलो है, सबका मिल्किंग दो दो इंसान ही करते हैं कि फटाफट हो जाए, थकान भी थोड़ा कम लगे। तो उसका क्या होता है कि उसके जो असल होते हैं वो बहुत ही बढ़िया वाला है, तो ऐसे नहीं पकड़ाता है, तो उसका जो स्टार्टिंग में मिल्क ऐसे ही पकड़ के करते हैं हम, थोड़ा मिल्क निकल जाए उसके बाद उसको तो अलग से पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसका जो असल है वो ही बहुत ही बढ़िया वाला है, तो दूध निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम जैसा होता है, तो इसीलिए हम थोड़ा दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद जैसे पकड़ के उसका दूध निकालने का जो मज़ा आता है। मिल्क का बर्तन चेंज कर देते हैं, तो अभी ऐसे फटाफट गाय का मिल्क कैसे निकालें, तो सभी लोग ऐसे पकड़ते हैं, देखो ऐसे पकड़ते हैं, असल को ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, सबको ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि थकान भी कम लगे एंड मिल्क आने में भी ठीक रहता है, और फटाफट आप खींच सकते हो ऐसे। तो गाय का दूध निकालने का सबसे सही तरीका वही होता है, देख सकते हो आप, किसी को थकान फटाफट मिल्क निकल जाएगा, ऐसे फटाफट करके ऐसे मिल्क निकल सकते हो आप। बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें थकान भी बहुत लगते हैं एंड मिल्क निकलने में टाइम भी लगता है। तो हम जब मेरी जो सिस्टर है वो ऐसे मिल्क करते हैं, और मेरे को भी ऐसे आता है, ऐसे पकड़ के भी मैं मिल्क कर सकता हूँ एंड ऐसे पकड़ के भी मिल्क कर सकता हूँ। जितना हो सके इतना फटाफट मिल्क हो जाए, तो गाय को एंड बफेलो भैंस को सबको ठीक रहता है, क्योंकि आधा आधा घंटा हो जाए तो उसको भी थोड़ा थकान जैसा लगता है सब, तो दो इंसान इसीलिए बैठते हैं कि उसका जो मिल्क है वो थोड़ा जल्दी फटाफट हो जाए। तो हो गया है अभी कौली का पूरा जो मिल्किंग का काम अभी खत्म कर दिया है, एंड खाना बन रहा है, थोड़े टाइम में खाना तैयार हो जाएगा। तो फाइनली गाइज आज मक्का में पानी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एनिमल्स को खाने के लिए यहाँ पे थोड़ा डाला था, तो अभी सुबह सुबह लाइट जो पावर है बिजली है, तो अभी इन वाला जो मक्का दिखाता है इसमें अभी पानी स्टार्ट कर दिया है, एंड यहाँ पे जो बीट लगाया था बीट बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे कम्प्लीटली हो रहा है।
अभी छोटा छोटा मक्का हो गया है एंड दो से तीन बार पानी मिल जाए तो अच्छी तरह से वो खाने के लिए, एनिमल्स को खाने के लिए तैयार हो सकता है, हो जाएगा। धनिया का जो पौधा दिखा था है बहुत ही बढ़िया वाला हो गया है यहाँ पे, अभी इसमें पानी चल रहा है, मक्के में तो पानी दे दिया, पूरा हो गया।